अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। और तो यहाँ मैं बना रही हूँ भाई के लिए नाश्ता, भाई के लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11, तो भाई के लिए बना रही हूँ पराठे और अंडे। तो भाई को जो है मेरे हाथ के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से मैं उसको बनाकर दे रही हूँ। उसको पसंद है थोड़े से कुरकुरे और पराठे, तो अम्मी बनाती हैं, अम्मी भी अच्छे बनाती हैं। और अम्मी जो है वो थोड़े से नरम बनाती है, क्योंकि अम्मी कहती है खाने में नरम ही अच्छे लगते हैं। तो भाई को जो है मेरे हाथ के पराठे पसंद है, तो मैं इसके लिए बना रही हूँ नाश्ता। तो यहाँ पर जो है 11 बज रहे हैं सुबह के, तो इसको दे दूँगी नाश्ता। और उसके बाद जो है अभी लाइट जाने वाली है। लाइट बहुत ज़्यादा परेशान करी, कल भी हमारी रात को जो है वो लाइट नहीं थी। रात को 5 बजे लाइट चली गई, फिर उसके बाद 2 घंटे के बाद 7 बजे लाइट आई, उसके बाद फिर जो है वो सुबह 9 बजे लाइट चली गई, फिर 1 बजे आई। क्योंकि 4 घंटे कल भी हमारी लाइट नहीं थी, कल पूरा दिन और आज का भी दिन अम्मी जो है वो, अम्मी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, क्योंकि अम्मी का जो है शुगर आज 400 से भी ऊपर था। और 2 दिन पहले भी अम्मी के साथ यही हुआ था, क्योंकि अम्मी की जो है वो तबीयत ख़राब हो जाती है अगर अम्मी आराम नहीं करती या रिलैक्स नहीं होता अम्मी को। और अम्मी जो है वो 2 दिन से इंसोलिन भी, बच्चे जो है अम्मी को बुला दे दें, वरना अम्मी सुबह उठकर सबसे पहले इंसोलिन ही लगाती है। और अभी अम्मी जो है वो जा रही है। तो देखिए माशाल्लाह जो है वो पराठे बन रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। और आपको कैसे लगे तो आप लोग ज़रूर बताना। तो भाई के लिए बना दूँगी नाश्ता, बनाया है आज हमने भाई के लिए। वैसे मैं अम्मी के घर बनाती नहीं हूँ नाश्ता, अम्मी भाभी बना देती है या अम्मी बना देती है। और मैं ज़रा यहाँ पर आराम से जो है वो लेट उठती हूँ, मैं यहाँ पर उठती हूँ 12:30-1 बजे तक उठती हूँ मैं, क्योंकि भाभी जो है वो सबको नाश्ता वगैरह दे देती है, कभी अम्मी दे देती है, और मैं नहीं उठती, मैं काफ़ी लेट उठती हूँ। अम्मी के घर आकर मैं बहुत ज़्यादा जो है वो आलसी बन जाती हूँ, बहुत ज़्यादा काम नहीं करती, कुछ कुछ काम ही करती हूँ, बाकी भाभी और अम्मी ही कर लेती हैं। किचन में तो मैं आती ही नहीं, और अम्मी यही गुस्सा करती है कि चलो तुम खाना नहीं बनाती हो तो कम से कम नाश्ता ही सबको दे दिया करो। तो यूएस में बन जाती हूँ यहाँ आकर थोड़ी सी आलसी। जब अपने घर जाती हूँ तो पता है कि करना ही है, कोई कर नहीं देगा, तो इस वजह से जो है हम जिम्मेदारी से अपने घर पर उठ जाते हैं। तो अब ये मेरी जो है आलसी पना हो गया है ख़त्म, क्योंकि मेरे जो है वो एंजॉय के दिन हो गए ख़त्म। अम्मी के घर में इतना इंजॉय किया माशाल्लाह, अम्मी ने मुझे इतना अच्छा अच्छा खाना पका के खिलाया, बहुत ज़्यादा आराम भी कर लिया और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया अम्मी के घर छुट्टियों की। समझ लीजिए कि मैं वेकेशन छुट्टियां जो है अम्मी के घर मनाने आई थी, और जैसे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया, अच्छा अच्छा खाना अम्मी ने खिलाया, बहुत ज़्यादा आराम करवाया। तो अल्लाह पाक जो है मेरी अम्मी को इसी तरह सेहत तंदुरुस्ती दे। और हाँ, मेरी अम्मी जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। ये देखिए पराठे मैंने रेडी कर लिए, और यहाँ मैं बना रही हूँ भाई के लिए अंडा और चाय, और सालन जो है वो कल का रखा है तो वो भी दे दूँगी। तो माशाल्लाह हमारे यहाँ जो है वो नाश्ता भी सबको अच्छा ही चाहिए, पराठे के बगैर नाश्ता कोई करता ही नहीं। और भाई का नाश्ता कभी कभी हम मंगवा लेते हैं, सॉरी, जब देखते हैं कि मुझ में हिम्मत नहीं या अम्मी में नहीं है, तो मैं फिर बाहर से ही अम्मी जो है मंगवा लेती हैं। वैसे तो घर में ही हमारा नाश्ता बनता है। तो वैसे यहाँ पर मैंने भाई के लिए चाय भी डाल दी, और अम्मी भी आ गई किचन से तो थोड़ी। और यहाँ पर अब हो रखा है शाम का टाइम, तो शाम पर जो है अम्मी ने गोश्त बॉईल करने के लिए रख दिया है, और यहाँ पर जो है गोश्त बॉईल हो चुका था, तो अम्मी ने 1 किलो के करीब प्याज ऐड कर दी है। ऑयल गर्म हो चुका था तो अम्मी ने डाल दी इसमें प्याज। तो यहाँ पर अम्मी कर रही है तैयारी, सारा सामान अम्मी लाई थी, और कुछ भी जो है अम्मी ने धो धा कर या समेट कर नहीं रखा था, तो अब अम्मी सारा सामान समेट रही है। तो मैंने कहा चलो अम्मी मैं भी आपके साथ बना लेती हूँ अपनी वीडियो। और यहाँ पर अम्मी ने आलू भी कट कर लिए हैं, और ये हरा धनिया और सब अम्मी ने मंगवाया था सामान, तो वो अम्मी सारा रख ली है। तो मैंने भी अपने लिए कुछ सामान अम्मी से ही मंगवा लिया था। तो व्यूअर्स यहाँ पर जो है अम्मी कर रही हैं सारी चीज़ों की सेटिंग। हरी मिर्ची अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है, और अम्मी को मैंने कहा अम्मी अगर कल मैं यहीं पर संडे को मैं यहीं हूँगी तो आप मेरे लिए कल अब सैंडविच ज़रूर बना देना, मुझे नाश्ते में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें पसंद आती है। अगर रात का सालन हो या रात की रोटी भी रखी हो तो मैं खा लेती हूँ। तो पहले मेरी बहुत ज़्यादा डिमांडें होती थी कि अम्मी मुझे ये खाना है, मैं ये नहीं खाऊंगी। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो लाड बहुत ज़्यादा उठाए जाते थे, अब तो मेरे घर के बच्चे अम्मी को इतना परेशान करते थे, थोड़ा अम्मी पे भी मेरा लाड उठा लेती हैं। तो यहाँ पर प्याज हो चुकी है फ्राई, तो उसमें अम्मी ने ऐड कर दिया आलू, और अम्मी ने इसमें टमाटर ले लिए हैं 4 बड़े साइज़ के अच्छे खासे, तो वो भी अम्मी ने जो है टमाटर ऐड कर दिए, और बिरयानी मसाला। तो व्यूअर्स यहाँ पर अम्मी ने जो है वो बिरयानी मसाला
जो अम्मी लाती हैं हमेशा शॉप से, वही आज अम्मी ऐड करेंगी। और बिरयानी मसाला भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। बिरयानी बहुत ही ज़्यादा आला और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनी थी, जैसे कि हम खा रहे हों रेस्टोरेंट या देख की बिरयानी। तो यहाँ अम्मी ने जो है गोश्त का बॉयल पानी था वो भी अम्मी ने ऐड कर दिया, और हरा मसाला अम्मी ने इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि अम्मी ने इसमें अदरक लहसुन और जब गोश्त बॉयल करने रखा था तो वो ऐड कर दिया। गोश्त का जितना भी पानी है वो अम्मी इसमें ऐड कर दी जाएंगी और इसे कर देंगी, भून लेंगी इसे। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा पानी, और यहाँ पर अम्मी ने जो है वो चावल भी बॉयल करने के लिए रख दिया। सालन जो है माशाल्लाह हमारा देखिए रेडी हो गया है बिरयानी का। तो आप यकीन करें बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी हमारी बिरयानी। तो दम पे लगाएंगी अम्मी। हाँ तो व्यूअर्स, अभी हो रहा है रात का टाइम और हमारा सारा काम हो चुका है और अम्मी है किचन में, अम्मी बना रही है गोश्त की बिरयानी। तो आप लोग साथ शेयर करेंगे गोश्त की बिरयानी। तो आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मानिया क्या बोल रही हो, बोलो। हाँ तो ये अम्मी बना रही है गोश्त की बिरयानी और बहुत ही ज़बरदस्त। अम्मी ने जो मसाले खरीदे थे उसी से बनाई है गोश्त की बिरयानी, होममेड मसाला नहीं है ये। तो अम्मी साथ में बिरयानी का मसाला भी लाई थी, तो हर साल हमारे यही मसाले आते हैं जिससे बनती है बिरयानी, कढ़ाई और बहुत सी डिशेस आप लोगों के साथ शेयर की हमने। तो आज अम्मी जो है, आज सबका दिन था, अम्मी कल है, आज तो सैटरडे, कल है संडे, फिर भी अम्मी ने आज बिरयानी बना दी क्योंकि हम सबको बिरयानी खानी थी अम्मी के हाथ की। तो इसी वजह से और आज जो है फाइनली हमारा जाने का भी दिन आ चुका है, आज हम जा रहे हैं अपने घर पर। तो आप लोग साथ कल का ब्लॉग शेयर करेंगे। नहीं जा रही हानिया को बहुत ज़्यादा जाने का जो है वो अफसोस से बोल रही है कि मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना बताओ व्यूअर्स, चलो घर पे चलो, घर जाएंगे आज, नहीं जाना घर पे हानिया को नहीं जाना। बच्चे जो है वो कल एक दिन तो इनको ऐसा लगेगा क्योंकि काफ़ी दिन से हम मम्मी के घर पर हैं, एक महीना होने वाला है। तो अभी बच्चों के सुबह जैसे बच्चे सुबह उठेंगे तो बहुत ज़्यादा पहले तो नर्वस होंगे, उनको मज़ा नहीं आएगा, मुझे खुद को भी नहीं आता। जब मैं यहाँ से जाती हूँ अपनी घर से तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, सुबह में ऐसा लगता है मैं पता नहीं कहाँ आ गई हूँ। और रात को भी जो है नींद नहीं आती, 5-6 बज जाएंगे आज हमें सोते सोते, के बच्चों को भी अच्छा नहीं रहा। और कल जब बच्चे उठेंगे और फिर मंडे से इनकी जो है वो रूटीन बनेगी क्योंकि आज सैटरडे है, मुझे जाना पड़ेगा। कल सारी में जो है घर की क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी और फिर मंडे से बच्चे ट्यूशन वगैरह जाएंगे, वो मदरसा ट्यूशन। तो इस वजह से मैंने कहा मुझे सैटरडे को ही जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है अम्मी हमारी अम्मी जो बना रही है वो है बिरयानी, तो जल्दी से बन जाए, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। जी बेटा क्या हानिया को जो है वो जाना नहीं है, घर पे नहीं जाना आपको, आपको फोन वोन नहीं मिलेगा, मम्मा आज नहीं देगी आपको फोन, ये मुझे जो है ना वो ब्लॉग बनाने नहीं देती, इसे फोन चाहिए हानिया, फोन नहीं मिलेगा बेटा। मम्मा ऐसे ने मैं किन कर दी, ऐसा नहीं, ये क्या बनाया जो है वो फिर नहीं मिली तो रबर से ही जो अपने बाल कवर कर लिए। तो देखते हैं क्या होती है, मैं जाके देखती हूँ, करना चाहती है। बच्चों ने बार बार बंद करते हैं और बार बार सफाई करनी पड़ती है, बच्चों वाले घर में यही होता है। और अम्मी अभी लगाएगी बिरयानी को, तेज अच्छे से करते हैं। Thank you.
मैं आपको फोन देती हूँ, जरा पहले जरा इधर आओ, इधर आएगा बेटा। बेचारी मेथी सिर्फ आपसे कुछ देर के बाद तो मुझे जो है वो कपड़े वगैरह सारे मैंने अपनी पैकिंग स्टार्ट करी और ये देखिए ये मेरा ही सामान है और हम निकल जाएंगे। कितने बजे जाएंगे घर पे? 12 बजे। तो वैसे यहाँ पर जो है बिरयानी रेडी हो चुकी है और माशाल्लाह ज़बरदस्त दम लग चुका है और जिस जिसके मुँह में आ रहा है पानी, तो आइए प्लीज़ हमारे साथ जो है रात का डिनर मटन सॉरी गोश्त की बिरयानी इंजॉय करें और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और आला। तो मुझे तो लगी है बहुत ज़्यादा भूख और हानिया जो यहाँ कर रही है मुझे परेशान, तो सबसे पहले मैं खा लूँगी खाना फिर मिलती हूँ आपसे कुछ देर के बाद। हाँ तो ये हमारा खाना पीना जो है वो सब कुछ हो चुका है और अभी टाइम हो रहा है 12। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े ही आज मैंने बिरयानी खाई थी और बस काम हम मैंने सारा किचन वगैरह नीट क्लीन कर दिया और जाने का थोड़ा सा मेरा जो घर जाने का तो आज का प्रोग्राम था वो जो कैंसिल हो चुका है, अब हम जाएंगे कल क्योंकि अम्मी कह रही है ये आज नहीं जाओ कल जाना, कल संडे है तो कल ही जाना वरना मेरा दिल नहीं लगेगा। तो इस वजह से मैंने कहा चलिए ठीक है अम्मी इतना कह रही है तो आज नहीं जाते। तो चलिए मैं आज का व्लॉग जो है वो यहीं एंड करती हूँ क्योंकि मैं नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे टॉपिक के साथ अच्छे वीडियो के साथ, तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखना और मैं देती हूँ अलविदा, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।